नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर एटा के अलीगंज ब्लॉक से है, जहां सपा की ब्लॉक प्रमुख सीमा यादव के पक्ष में 79 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उपस्थित दर्ज कराई। कोरम पूर्ण होने के बाद मीटिंग से संबंधित सभी योजनाओं को उनके अधिकारियों द्वारा मौजूद क्षेत्र पंचायत सदस्यों ग्राम प्रधानों को बताई गई। इज्जत घर निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पशुओं का टीकाकरण, सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। मीटिंग में पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक ने लगाए कई महत्वपूर्ण योजनाओं में फर्जीवाड़े के संगीन आरोप। उन्होंने मंच से ही बीडीओ अशोक कुमार से पूछा कि जब ग्रामीणों के लाभ की बात हो रही है, ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, तो ग्राम विकास की धुरी ग्राम पंचायत अधिकारी मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं है। इन कर्मचारियों की वजह से तमाम परेशानी ग्रामीणों को उठानी होती है। यहाँ तक कि किसी परिवार के सदस्य की मौत होने के बाद उसके परिजन महीनों इनके चक्कर लगाते हैं। एसडीएम भी उनकी समस्या के निराकरण करने के लिए कागजों पर आदेश करते हैं, परंतु सभी हवा हवाई साबित होते हैं। इनकी मनमानी पर अंकुश लगाएं, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कठोर कदम शासन स्तर से उठाए जाएंगे। मुफ्त नलकूपों के कनेक्शन के बारे में कहा कि क्षेत्र का जलस्तर 70 से 80 फीट पर है, परंतु 60 फीट पाइप से बोरिंग हो जाता है, पूरा पैसा निकाल लिया जाता है। कैसे संभव है कि वो बोरिंग सफल होंगे। वहीं 80% इज्जत घर काम नहीं कर रहे। कुछ ग्राम पंचायत का पैसा पूरा निकाल लिया गया, पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का घोटाला तो और भी चौंकाने वाला है। जो गरीब हैं उनके पास रिश्वत के 1,000 रुपये देने को नहीं है, तो खेती में पन्नी तान कर फर्जी तरीके से उन लोगों को पात्र घोषित किया जा रहा है, जिनके 2 मंजिला मकान हैं। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर ये सूचियां सही नहीं की गई तो उनकी शासन से जांच कराई जाएगी। उन्होंने उपस्थित सभी क्षेत्रों के पंचायत सदस्यों और प्रधानों से विकास कार्य के लिए आवेदन मांगे। प्राइम न्यूज 24 के साथ विकास दुबे की रिपोर्ट। तो जो चीजें ऐसी आ रही हैं, तो वहां जो एसडीएम साहब, जिन लोगों की जो संबंधित कर्मचारी ड्यूटी लग रही है, उन्हों की थोड़ी जिम्मेवारी तय हो जाए तो अच्छा रहेगा। और राशन की व्यवस्था में 5 से अब 4 और 3 के लोग आ गए, 2-3 महीने 5 किलो बटा, अब व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। तो ज्यादा मैं कुछ कहते हुए अपनी बारी गुदा में ही देखता हूँ, और पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बॉडीगार्ड भी जरूरी है, बॉडीगार्ड तो बहुत नहीं है, और भिलाई की बात है, बहुत बड़ी में करते हैं, तो आप लोग नहीं होने दे रहे। हमारे साथ की 3 साल से बैठक नहीं हुई, 3 साल से होने वाली बैठक नहीं हुई। कह रहे हैं नहीं कहने के क्यों रहूँ, प्रशासन है सो रहा है, अगर प्रशासन होना भी इतनी बैठक होने देते। मैं सर बेटा पूछना चाहता हूँ, पिछली कार्ययोजना से इस कार्ययोजना तक किन गांव में कौन से काम, बस क्षेत्र पंचायत से सदस्य, क्षेत्र पंचायत कार्ययोजना में जो रुपया आया वो किन किन गांव में पैसा लगा। और सर अभी बता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैठे हम सब भी सुन लेंगे। मैं कार्ययोजना देखता हूँ इंटरनेट में भी, यहाँ ब्लॉक में भी देखते रहे, कुछ गाँव के लिए मेरी न्याय पंचायत के सभी गांव के छुटते हैं। मेरा गांव है केवर सुल्लापुर है, सरोतिया है, अहोपुर है, ससोता है, भोजपुर है, वंचित क्यों रहते हैं। हमारा नगला कटील है, यादव का ही गांव है, बिल्कुल पिछड़ा है, ये सब गांव वंचित क्यों रहते हैं। हम लोग लिख लिख के देते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी कार्ययोजना में न तो शामिल होते हैं और शामिल होकर काम नहीं होते। यहाँ सदस्य है 50 सदस्यों के अलावा, वो अपने कार्यों का प्रस्ताव दे दें। जैसा कि आपने कहा है कि चिकित्सालय है, इस बार शासन की मंशा ही है कि जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उन सभी को दुरुस्त किया जाएगा, चाहे वह शौचालय हो शौचालय बनाया जाएगा, उसकी बाउंड्री खराब हो उसका निर्माण किया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उस पर एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो आप प्रस्ताव दे दीजिए और
ये आश्वस्त कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हीं कामों को कराया जाएगा जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्रम से उनको 1, 2, 3, 4 उसी क्रम में उनको रखा जाएगा जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लस में आपका जो वोटिंग बराबरी करने कौन जाते हैं गाँव पन्नी तान तान के फोटो खींच के और लोगों के नाम जो है सूची में डाले गए, और जो बेचारे इनके पास झोपड़ी है रहने के लिए नहीं, उनके पास 1,000 रुपया नहीं था देने के लिए, तो वो नाम सूची में आपके में आज भी नहीं है। इन सब चीजों में थोड़ा सुधार होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान लोग बैठे हुए हैं, अब सभी लोग यहाँ आए नहीं मीटिंग में है, कहीं कहीं तो प्रधान चारे इतने सीधे हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, पंचायत सचिव सब पूरा पूरी व्यवस्था जैसे बनी प्रधान है उसे आज पता ही नहीं प्रधान क्या है और क्या मतलब उसे सब चल रहा है ऊपर ऊपर। कई एक जगह प्रधान बहुत ज्यादा सीधे हैं तो वहां बहुत ज्यादा व्यवस्था गड़बड़ है, तो ज्यादा कुछ कहते हुए हमारे दो तीन शिकायत है ये लोग उपस्थित है किन किन कमियों पर बात हुई है और क्या क्या अव्यवस्थाएं रही है प्रशासन द्वारा? व्यवस्था क्या कितनी बढ़िया हो रही है, व्यवस्थाएं कहाँ रही प्रशासन द्वारा? आप देख रहे हैं, आपको कुछ लग रहा है? नहीं, आपके द्वारा ये कहा गया है कि जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ सचिव नहीं बैठे हुए हैं, हाँ। और कुछ गांव में जो विकास कार्य किया गया है वो आपके आदेशों या आपके रिक्वेस्ट की भी अनदेखी की गई है, आप सत्ता पक्ष के यहाँ क्षेत्र से विधायक हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्षेत्र पंचायत की बैठक है, इसमें जो ब्लॉक से संबंधित जो कर्मचारी हैं उन्हें होना चाहिए था, बहुत जरूरी है, तो ग्राम पंचायत प्रधान यहाँ उपस्थित है, हम हैं, अगर हमारे क्षेत्र पंचायत मानी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, किसी कोई शिकायत अगर है तो वह यहाँ पर अपना अपनी बात रखता, सब अधिकारी मौजूद हैं, उसके जवाब सवाल होते तो उन्हें उपस्थित रहना चाहिए। ऐसा कहा जाए कि क्या आप यहाँ विकासखंड का जो प्रशासनिक अमला है क्या निरंकुश है? नहीं, निरंकुश तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि जानकारी के अभाव में ना हो, ऐसा कुछ नहीं है।